मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ जो मेरा वीडियो चल रहा है उसके नीचे ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे आपको दबाना है और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे भी आपको दबाना है ऑल करके, इससे मेरे वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये लुक क्रिएट करूं जो कि ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, ये मेकअप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को एक थम्स अप देना। तो हमेशा की तरह मैं अपने मेकअप को शुरू करने से पहले लगाऊंगी अपने फेस पे एक मॉइस्चराइज़र। आज मैंने यूज़ किया है निविया का ये एलोवेरा हाइड्रेटिंग क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र एंड इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का प्राइमर अपने फेस पे। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है। एंड इसके बाद मैंने यूज़ किया है मेबलिन का ये फाउंडेशन, मेबलिन फिटनी का फाउंडेशन है ये, और इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। गाइज, मैंने पहले भी बताया है कि दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन, गले पर और कान पर भी लगाना बिल्कुल मत भूलना। फिर मैं अपने अंडर आई को कंसील कर रही हूँ, मेबलिन का ये है एज डिफाइनर कंसीलर। मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको जहाँ भी लगे कि आपके पिगमेंटेशन है वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसे अपने आई शेडो बेस की तरह भी यूज़ कर रही हूँ। आज रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है कि जो मेकअप है अगर आप अपने स्माइल लाइंस पर इस तरह से लगाओगे, फेस अपने मुंह को इस तरह से फुला करके, तो आपका जो मेकअप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे लगता है एंड सेटल नहीं होता है, फाइन लाइंस नहीं बनती हैं और इस तरह से आपका जो बेस है वो काफ़ी फ्लॉलेस लगता है। तो चाहे वो फाउंडेशन हो या कंसीलर हो या लूज़ पाउडर हो, फेस पाउडर हो, आप इस तरह से ही लगाया करो, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अपने लिप्स को मैं मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ विद हेल्प ऑफ लिप बाम। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मेबलिन फिटनी का ये लूज़ पाउडर। इसका रिव्यू मैंने अपने एक वीडियो में किया हुआ है, अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप देख सकते हो वो वीडियो। इस लूज़ पाउडर को भी मैं उसी टेक्निक से लगाऊंगी जैसा आप देख सकते हो, इससे जो केकनेस है वो नहीं लगता है, लाइंस नहीं बनती है आपके फेस पे। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये ब्यूटीफुल सा पैलेट और इसमें काफ़ी प्रिटी शेड्स है गाइस, बट इसमें जो सबसे लाइटेस्ट शेड है ये पीच कलर का, इसे मैं यूज़ करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड। पूरे आई पे लगाऊँगी बट बेसिकली अपनी क्रीज लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करूँगी मैं इस कलर को। आई शेडो आप जब भी लगाओ याद रहे कि सबसे पहले आप सबसे लाइट शेड को ही यूज़ करो, उससे बहुत ही रेडिएंट इफेक्ट आता है आपके जो मेकअप, आई शेडो मेकअप जो है उस पर। एंड सबसे लाइट शेड यूज़ करोगे आप तो कोई गलती अगर होने वाली है तो उसे भी आप सुधार सकते हो इस तरह से। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कि मैंने ट्रांजिशन शेड के लिए ये लाइट कलर यूज़ किया है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये ऑरेंज शेड, इसे मैं अपने क्रीज एरिया पर कंसंट्रेट करूँगी, बेसिकली आउटर कॉर्नर्स पे ज़्यादा। आप देख सकते हो कि क्योंकि मैंने पहले सबसे पहले जो है वो लाइट कलर लगाया था और उसके बाद मैं ये डार्क कलर लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये कितना प्रिटी सा रेडिएंट इफेक्ट आ रहा है। दूसरी आईज़ पर भी मैंने सेम चीज़ की है और वही सेम कलर को मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये शिमरी सा येलो गोल्डन
शेड और इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईज में लगाऊंगी। इनफैक्ट मैं इसे अपने हाफ क्रीज पर लगाऊंगी, आपको कॉर्नर्स पे नहीं लगाना है, सिर्फ अपने इनर कॉर्नर्स पे और अपने हाफ आई लिड पर लगाना है इसे। सेम चीज़ मैंने अपनी दूसरी आईज पर भी करी है और सभी चीज़ों को अब मैं ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ फ्लफी ब्रश। और इसकी जो पकड़ है वो हमेशा एंड से होनी चाहिए, आप हमेशा कोई भी ब्रश हो उसे आप हमेशा एंड से ही पकड़ो, उसके होल्डिंग जो है उसकी लाइट रहती है और मेकअप आपका उससे अच्छा होता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये मेटालिक आई शेडो इन द शेड शैम्पेन। एंड गाइस यू हैव टू चेक दिस, ये बहुत ही प्यारा सा शेड है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, सिर्फ 199 रुपीस का आता है। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी और इसे मैं लगाऊंगी सिर्फ वहीं पे जहाँ पे मैंने अपना ये येलो शेड लगाया था। कोई भी मेटालिक आई शेडो लगाने के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी आईज हमेशा झुकी रखनी होगी जब तक ये सूखे नहीं, तो इसे ड्राई होने तक के लिए मैं अपनी आईज बंद रखूँगी। अब ये ड्राई हो गया है, इसके बाद मैं ये कलर, ये जो डार्क ब्राउन सा शेड है, इसे लेकर मैं अपने आउटर कॉर्नर्स में लगाऊंगी और अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन्स ना लगे। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सबका प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे कॉमन काजल जो कि है लैक्मे का आइकॉनिक काजल, और इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी। उसके बाद मैं ये जो सबसे लाइट कलर है, लाइट गोल्डन सा कलर है, इसे मैं अपने ब्राउ बोन पर लगाऊंगी। और इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईज में भी मैं सेम कलर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेसेस कैनेडा का अल्टीमेट प्रो आई लाइनर, और ज़्यादा हार्श नहीं करेंगे आज अपने आई लाइनर को, ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, बिल्कुल पतली सी हम एक आई लाइनर लगाएंगे। मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है आज लैक्मे आइकॉनिक का ये कर्लिंग मस्कारा, ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है। मैंने सबसे पहली बार यही मस्कारा परचेज़ किया था, तो वो सारे बिगिनर्स आप लोग ये मस्कारा बिल्कुल परचेज़ कर सकती हो, ये काफ़ी अच्छा है। लोअर लैश लाइन पर भी मैं सेम मस्कारा लगाऊंगी। एंड उसके बाद मैं ऑफ कैमरा जाकर गेमिंग लैशेस लगा लिया है मैंने। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये कंटूरिंग पैलेट और इसे मैं अपने रेगुलर कंटूरिंग एरियाज पर लगाऊंगी, लाइक हॉलोज ऑफ द चीक्स पर मैं लगा रही हूँ अभी इसे, एंड जॉ लाइन पर भी लगाऊंगी। और इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आज बताने वाली हूँ, अपने इन दोनों फिंगर्स में आप कंटूरिंग कलर लेकर अपने नोज़ को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आपका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बचेगा और बहुत ही परफेक्टली होता है इससे नोज़ कंट्रोल। ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का ये ग्लैम ऑन ब्लश, ये कॉकटेल पीच है शेड का नाम, एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेड है व्हेन इट कम्स टू ब्लश। आईब्रोज को लाइन और फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये ड्योर शेपर इन द शेड ब्राउन। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये हाइलाइटिंग कलर, एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर है व्हेन इट कम्स टू हाइलाइटर, एंड इससे बहुत ही सुंदर सा ग्लो आता है, आप देख सकते हो छोटे छोटे स्ट्रोक से ही कितना सुंदर सा कलर आ रहा है, इससे बिल्कुल नेचुरल ग्लो आता है। मैं इसे अपने नोज़ पर, अपने क्यूपिड्स बो पर और अपने चीक बोन्स पर लगाऊंगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेसेस कैनेडा का लिप क्रेयॉन इन द शेड पीच मी,
एंड अपने टॉप 10 फेवरेट लिपस्टिक्स में भी मैंने इसे इंक्लूड किया था। ये काफ़ी सुंदर सा कलर है पिंक कलर, एंड समर्स में ये बहुत ही परफेक्ट रहेगा ये कलर आपके लिए। मेकअप कंप्लीट हो चुका है मेरा, मैंने अपने बालों को स्ट्रेट किया है एंड ये मांग टीका लगाया है और ये मैचिंग बैंगल्स भी पहने हैं मैंने, एंड मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है ये लुक, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एंड अगर आप ईद पे से रिक्रिएट कर रहे हो तो प्लीज़ अपने जो फ़ोटोज़ हैं उस पर मुझे टैग करना इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप सभी को ईद मुबारक हो, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।